हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 33 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो ये आपका प्रीवियस जो वर्कशीट था, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें, वही वर्कशीट आज भी कंटिन्यू हो रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब मैंने बताया था, और जो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी की जो व्यवस्था थी, रूढ़िवादी किसे कहते हैं दोस्तों, रूढ़िवादी अर्थात जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो है ना आज भी चल रहे हैं और एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे रूढ़िवादी कहते हैं एक सामान्य भाषा की तरह। तो आइए इसमें क्या है, इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारों के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्था, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी। अर्थात जो है ना दोस्तों, जो 1815 में नेपोलियन जब हार गया था, उसके बाद रूढ़िवादी का जो सत्ता था वो बहुत कायम हो गया, और वो अपनी तरह से वो रूढ़िवादी व्यवस्था जो है ना वो काफ़ी रूढ़िवादी ही रहा, और वो रीति रिवाज पे दिखने लगा, वो जो है ना वहाँ की परंपराओं को दिखने लगा, और एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया, और परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन की वियना में किया गया, और इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। इस कार्यक्रम में वियना संधि का हस्ताक्षर किया गया, इस कार्यक्रम में क्या किया गया, वियना संधि का हस्ताक्षर किया गया। अब आप देख सकते हैं 1815 की वियना संधि की विशेषता क्या क्या है, और ये विशेषता आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वियना संधि की क्या क्या विशेषता थी। तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश के पुनर्जागरण हुआ, पुनर्स्थापना हुआ, यानी फ्रांस में जो है ना बुर्बो राजवंश, जो बुर्बो डायनेस्टी थी, उनका फिर से क्या हुआ, स्थापना हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में एक नई रूढ़ी व्यवस्था को क्या करना, कायम करना, रूढ़ी व्यवस्था जो परंपरा के आधार पर चले, ठीक है। फ्रांस के उन इलाकों पर जैसे आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे, और उस आधिपत्य मतलब वो जीता हुआ जो जगह था नेपोलियन के समय, उस पे से भी क्या किया, आधिपत्य खो दिया, और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना हुई, और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के लिए नए राज्यों की स्थापना हुई। तो 1815 की जो वियना संधि की विशेषता, ये 1, 2, 3, 4 है, ये इसे आपको याद करना है। अब देखिए ड्यूक मेटरनिक के बारे में क्या जानते हैं, ड्यूक मेटरनिक कौन थे। तो इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था, और वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, और 1814 से लेकर 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यूरोप यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, और वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र यानी रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी, ड्यूक मेटरनिक ने। अब आते हैं ज्यूसेपी मेत्सनी, ज्यूसेपी मेत्सनी कौन थे और इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए इसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था, और वह कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे, और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। मतलब देखिए, क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश से निकाला दे दिया गया, तथा तत्पश्चात उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला
पहला था कि मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वन में यंग यूरोप। और मेसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपने ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया, और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो जो सेपी मेथनी के बारे में आपने जाना, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर पे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप रिस्पॉन्सिबल होइए, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है ना, बहुत अच्छे से मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है और उसी के बिहा पे आपका इवेल्यूएशन होता है। क्योंकि कोई जो भी बच्चा जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताता हूँ आंसर लिख कर के आता तो वो पूरे के पूरे नंबर लेता है, एटलीस्ट 90, 95, 98 इस तरह का सोशल साइंस में स्पेशली लेते हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, आपको ये राइटिंग भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, मैं काफ़ी इस पे वर्क कर रहा हूँ। तो वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वियना संधि यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से लेकर जून 1815 को वियना में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने की। वियना संधि की अध्यक्षता कौन की थी? मेटरनिख ने। तो देखिए, इसकी विशेषताओं को बताएंगे तो सबसे पहले वियना संधि क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी विशेषताओं पे आ गए हम। विशेषता, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हुई थी, इसकी विशेषता पहला है। इसकी विशेषता, यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। यूरोप में क्या करना था? नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। और फ्रांस की सीमा विस्तार की स्थापना पर रोका, लेकिन इस दौरान उत्तर में सीमा नीदरलैंड राज्य की स्थापना और दक्षिण में पीडमोर्ट कि जेनोआ से जोड़ा गया। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, मेटरनिक की भूमिका का वर्णन करें। मेटरनिक की क्या भूमिका थी उनका वर्णन करें। तो मेटरनिक का जन्म पहले लिखेंगे, वो 15 मई 1773 में हुआ था और वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और इनका जीवन का बड़ा हिस्सा 1814 से लेकर 1848 तक यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण रहा, और वह सबसे बड़ा राजनेता था। मेटरनिक कौन था? सबसे बड़ा राजनेता था। और नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिक यूरोप की राजधानी सर्वेसर्वा बन गया, अर्थात नेपोलियन की पराजय के बाद जो है ना क्या हुआ, सर्वे सर्वा बन गया। और इसीलिए 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास में काल में मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। मेटरनिख काल में मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो मेटरनिख ने जो सेपे मेथसनी की हमारी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों बताया था? हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन क्यों बताया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से इसे करना है, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए जो मैक्सिमम जो है ना उस पे कंटेंट पे आप लिख सके, ताकि आपके एग्जाम के जब हो तो उस समय आप एटलीस्ट जो है ना 80% रिकॉल कर पाए, ठीक है। वह किस सामाजिक व्यवस्थाओं का उसका बात कर रहा था, यानी मेथसनी जो है ना किस सामाजिक व्यवस्था का बात करता था? तो आप देख पा रहे हैं मेसनी इटली का एक क्रांतिकारी था। क्या था? क्रांतिकारी नेता था, क्रांतिकारी जो है ना शासक था, ठीक है। का जन्म 1807 में जुनोवा में हुआ था, और वह 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति कसे के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया, यानी देश से उसे निकाल दिया गया, ठीक है। और इन्होंने दो भूमिगत संगठन की स्थापना की, पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। मेथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की एकीकरण एक आधार साबित हो सकता है। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के एकीकरण का एक क्या है? आधार साबित हो सकता है।
हो सकता था, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, जिसके पश्चात जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जो है ना दोस्तों, मेटरनिख ने स्विट्जरलैंड में संगठन बना। और इसी प्रकार मेटरनिख ने मेसनी के विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा खतरनाक क्या है, दुश्मन है। स्विट्जरलैंड ये कटा हुआ है दोस्तों, ये आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। एक बार और मैं उसको लिख देता हूँ, देखिए स्विट्जरलैंड, अब देखिए, तो इसी लेकर के उसे सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन आए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आया, जब नेपोलियन युग के बाद, तो नेपोलियन युग के दौरान यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट 11 यानी 2-3 नंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासक रहे। किसके रूप में रहे दोस्तों, कांसल के रूप में शासक रहे। और 1804 से लेकर 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा, और 1815 में नेपोलियन हार गया और सरकार रूढ़िवादी की ओर बढ़ा, जिसके अंतर्गत रूढ़िवादी स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी और क्रमिक विकास पर जोर दिया। क्रमिक विकास पर जोर दिया। इसके बाद एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसे कांग्रेस कहा गया, जो वियना में किया गया, और नेपोलियन वाटरलू में हार गया और मेटरनिक शासक बन गया। क्या हुआ दोस्तों, मेटरनिक शासक बन गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 33 खत्म हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।